वेलकम स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। अब उन्हीं प्रॉपर्टीज का यूज करके हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जहां कोई डिटरमिनेंट हमें दिया जाता है और उसको विदाउट एक्सपेंडिंग हमें प्रूव करना होता है कि ये डिटरमिनेंट जीरो है। शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। ये हमें डिटरमिनेंट दिया हुआ है और हमें बिना इसको एक्सपेंड करे ये प्रूव करना है कि ये जो डिटरमिनेंट है इसकी वैल्यू जीरो है। इसके लिए जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं हम उनका यूज करेंगे। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट की टू रोज या टू कॉलम्स आइडेंटिकल हो जाएं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो। तो इन क्वेश्चंस में हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि दो रोज या दो कॉलम्स आइडेंटिकल हो जाएं। इसके लिए हम यहां देख सकते हैं कि फर्स्ट जो रो है उसमें से सिक्स कॉमन लिया जा सकता है। तो टेकिंग सिक्स कॉमन फ्रॉम आर, और ऐसा किया जा सकता है क्योंकि ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी। अगर मैं सिक्स कॉमन ले लूंगा तो डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी सिक्स टाइम ऑफ, जब छह कॉमन ले लूंगा तो यहां बचेगा सत्रह, यहां बचेगा तीन, यहां बचेगा छह, एक। अब क्योंकि हमने सेकेंड रो से कुछ हमने कॉमन नहीं लिया है, थर्ड रो से भी हमने कॉमन नहीं लिया है, तो वो दोनों रोज एज इट इज लिख दें। अब आप देख सकते हैं कि फर्स्ट रो और थर्ड रो दोनों सेम हो गए। अब हम लिख सकते हैं हियर आर वन एंड आर थ्री आर आइडेंटिकल, देयरफॉर वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट इज जीरो। तो कुछ क्वेश्चंस में तो हमें बहुत आसानी के साथ पता लग जाता है, कुछ में हमें थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ता है। एक और क्वेश्चन लिखते हैं। पहली रो है दो सात पैंसठ, दूसरी रो है तीन आठ पचहत्तर, तीसरी रो है पांच नौ छियासी। अब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को भी हमें जीरो ही प्रूव करना है। जैसा हमने पिछली बार करा था कि कुछ कॉमन ले लें, तो यहां हमें कुछ ऐसा लग नहीं रहा कि इसमें से कुछ कॉमन लिया जा सकता है, तो इसका मतलब हमें कोई और प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी। तो आपको याद होगा हमने जो लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसमें हमने एक बात पढ़ी थी कि किसी भी रो में किसी दूसरी रो के मल्टीपल्स चाहे ऐड कर दिए जाएं चाहे सब्ट्रैक्ट कर दिए जाएं उस डिटरमिनेंट की वैल्यू अनचेंज्ड ही रहेगी। तो अगर हम C3 में से 9 टाइम ऑफ C2 माइनस करें तो देखें क्या रिजल्ट आएगा। और ऐसा किया जा सकता है लास्ट प्रॉपर्टी की वजह से, जिसमें चेंज करना हो वो पहले लिखें। तो C3 में हम चेंज करना चाहते हैं, इस तरह से एरो का साइंस, क्या चेंज करना चाहते हैं, C3 में से 9 टाइम ऑफ C2 को माइनस करते हैं, क्या मिलेगा, हमारा फर्स्ट कॉलम अनचेंज रहेगा 235, सेकंड कॉलम भी अनचेंज रहेगा क्योंकि यहां पर भी हमने कोई चेंज नहीं करा है। अब बात आती है थर्ड रो की। तो थर्ड रो में 65 में से 9 टाइम, 7 का 9 टाइम हो गया 63, 75 में से 9 टाइम ऑफ 8 जो कि 72, 86 में से 9 टाइम ऑफ 9 माइनस, तो यानी हमें मिला 235, 7, 8, 9, 65
में से 63 माइनस करेंगे 2, 75 में से 72 माइनस करेंगे 3, 86 में से 81 माइनस करेंगे तो 5। अब आप देख सकते हैं कि यहां पर C1 इक्वल टू C3 है, यानी जो फर्स्ट कॉलम है वही थर्ड कॉलम भी है, तो इसलिए डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी। ये ऑपरेशंस चेंज किए जा सकते हैं, जैसे हमने यहां पर C3 में से 9 टाइम ऑफ C2 माइनस करा है, कुछ और ऑपरेशन भी हम लगा सकते थे, जैसे फर्स्ट कॉलम में अगर हम 9 टाइम ऑफ C2 प्लस कर देते तो भी फर्स्ट और थर्ड कॉलम एक जैसे हो सकते थे। तो ये चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो रिजल्ट्स आते हैं वो हमारे सेम आते हैं। एक और क्वेश्चन हम करेंगे, उसकी वैल्यू भी हमें 0 ही प्रूव करनी है। हम सिर्फ वही क्वेश्चंस हल लेंगे जिनकी वैल्यू 0 है। कई बार क्वेश्चंस में ये भी लिखा होता है कि प्रूव दैट दिस डिटरमिनेंट वैनिशेस। डिटरमिनेंट है 0 a माइनस और यहां है c और माइनस। प्रूव करें इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है। अगर आप इस डिटरमिनेंट को गौर से देखेंगे तो ये थोड़ा कुछ स्पेशल आपको डिटरमिनेंट दिखाई देगा। ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से बना हुआ डिटरमिनेंट है। आप देख सकते हैं कि पोजीशंस को चेक कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है, तो एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि अगर रोज को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज में चेंज कर दें किसी डिटरमिनेंट के, तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट अनचेंज है। अगर ये डेल्टा है तो हम लिखते हैं इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स, इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में चेंज करें। तो अब मुझे मिलेगा, अब क्योंकि वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट चेंज नहीं होती है, तो फर्स्ट रो जो थी 0 a और माइनस बी फर्स्ट कॉलम बन गई, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गया माइनस ए 0 सी, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन गया बी माइनस सी और 0। अब मैं सभी में से माइनस कॉमन ले लेता हूं तीनों रोज में से, टेकिंग माइनस वन कॉमन फ्रॉम R1 R2 एंड R3। अगर मैं तीन बार माइनस कॉमन लूंगा तो माइनस वन इंटू माइनस वन, तीन बार मैं लिखा। जब मैंने माइनस कॉमन लिया है यहां 0 होगा, ये a हो जाएगा, ये माइनस b होगा, ये माइनस a होगा, ये 0 होगा, ये c हो जाएगा माइनस, ये b होगा, ये माइनस c होगा और ये 0 होगा। तीन बार माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस होता है। और अब अगर हम इस डिटरमिनेंट को मैच करें हमारे ओरिजिनल क्वेश्चन से, तो हम देख सकते हैं ये वही डिटरमिनेंट है जिसे हम लेकर चले थे, यानी तो वही है, यानी माइनस डेल्टा इसकी वैल्यू है। मैं इसको लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करूंगा तो डेल्टा प्लस डेल्टा विल बी 0, यानी 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा 0 है, इसका मतलब वैल्यू ऑफ डेल्टा इज 0। तो आगे से आप याद रखें, आप देखते ही अगर कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स जो सिमेट्रिक हो उससे बना हुआ डिटरमिनेंट हमें दिया जाता है तो उसकी वैल्यू हमेशा ही 0 होगी। इसी क्रम में हम और कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। आइए अगला हम क्वेश्चन लें। आज सिर्फ हम वही डिटरमिनेंट जिसमें 0 हो जाते हो इसी प्रकार के क्वेश्चन ले लें। तो अगला एक क्वेश्चन है कि 1 1 1 BC, CA और AB और थर्ड कॉलम में है A into B plus C, B into C
plus a or c into a plus b. ये हमें डिटरमिनेंट दिया, प्रूव हमें करना है कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू भी जीरो. कॉमन फिलहाल में कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ ऑपरेशन लगाने के लिए हमें सोचना होगा. तो हम यहां पर एक काम कर सकते हैं कि जो C3 है उसमें C2 को प्लस कर लीजिए. तो फर्स्ट दो कॉलम हमें चेंज नहीं करने, पहले हम उन्हीं को लिख देंगे. AB प्लस AC पहले से ही था, उसमें ये BC ऐड हो जाएगा. BC और AB हमारे पास पहले ही थे, AC इसमें ऐड हो जाएगा. AC प्लस BC हमारे पास पहले ही था, AB इसमें ऐड हो जाएगा. अब अगर आप इस थर्ड कॉलम को देखें, हर स्टेप में तीन एलिमेंट हैं, तीन तीन का सम दिया हुआ है और तीनों सेम हैं, इनको हम कॉमन ले सकते हैं. तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये कॉमन लिया जा सकता है. जब इसको कॉमन लेंगे तो हमारे पास फर्स्ट कॉलम में से कुछ कॉमन है नहीं, एज इट इज रिपीट होंगे ये. अब उसके बाद में जो थर्ड कॉलम है यहां पर सिर्फ वन 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 ही बचेगा. अब हम एक बार फिर देख सकते हैं कि फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम फिर एक जैसे हो गए. तो C1 is equal to C3, therefore determinant की वैल्यू जीरो है. तो ये आज बच्चों हमने वो क्वेश्चंस किए हैं जहां किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाती है. कई बार क्वेश्चन में ये भी लिखा जाता है कि प्रूव करें दिस डिटर्मिनेंट वैनिशेस. मैंने साइड में कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इन सभी डिटरमिनेंट की वैल्यू विदाउट एक्सपेंशन आपको जीरो प्रूव करनी है. ये क्वेश्चंस तो आपको करने ही हैं. इसके अलावा आप कुछ और क्वेश्चंस अपनी बुक से करें जिनकी वैल्यू जीरो आती है. परसों हमने आपसे अपने होमवर्क को ग्रुप पर डालने के लिए कहा था, लेकिन 9 या 10 बच्चों ने ही हमें होमवर्क भेजा है. तो बाकी जो बच्चे हमसे नहीं जुड़े हैं वो भी अपना होमवर्क शुरू कर दें, जिससे कि आपको ये बातें अच्छी तरह से समझ में आ सकें. आज के लिए इतना ही, कल हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हमें प्रूव करने होंगे डिटरमिनेंट.